नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आमिर खान की जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी जो उनके टर्की जाने के कारण, टर्की में जो है वो फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन से जो मिले तो तब से लेके उनकी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। और ये वीडियो जो है मैं सच में तीसरी बार इसको शूट कर रहा हूँ, मतलब पहली बार कुछ काम आ गया, दूसरी बार भी कुछ काम आ गया, पता नहीं भगवान क्या चाह रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेडी जो है एमिन एर्दोगन, जिनके साथ आमिर खान जो बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर के जो एक आर्टिकल है, न्यूज़पेपर का एक कटलेट है, उसमें आप देख सकते हैं। और इसके बाद एमिन एर्दोगन अपने ही ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट करती हैं, वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो आमिर खान जो है वो एक बहुत बड़े एक्टर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, जो इस्तांबुल में अपनी लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है जो उनकी शूटिंग कर रहे थे, ये जो लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है इसकी जो लास्ट के कुछ सीन रह गए थे इनको शूट करने के लिए, भारत में तो अनुमति नहीं मिल पा रही थी क्योंकि COVID-19 के कारण जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी अनुमति नहीं दे रही थी, इसलिए जो अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए टर्की चले गए थे और वहां पे जाके ये इनकी जो फर्स्ट लेडी जो एमिन एर्दोगन उनसे जाके ये मिली। अब इतना क्यों कंट्रोवर्सी हुई टर्की के कारण, ऐसा क्या है टर्की में जो भारत जो है भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है या फिर भारत में इतनी कंट्रोवर्सी हो चुकी है आमिर खान के टर्की की जो फर्स्ट लेडी जो है एमिन एर्दोगन के साथ जाके जो मिले हैं। तो थोड़ा बहुत आपको फैक्ट के साथ चीज़ें आपको समझा देता हूँ और आप खुद डिसाइड करिए कि क्या सही है क्या गलत है। लास्ट में ऑब्वियसली मैं अपने ओपिनियन तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा, बट आप भी, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने दिमाग का यूज करें और आपके सामने जो फैक्ट रख रहा हूं आप उसको गौर करिए कि क्या ये सब चीजें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो बात है 5 अगस्त 2019 की, जब भारत सरकार ने 370 आर्टिकल, जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल जो स्पेशल स्टेटस देता है वो खत्म करके भारत में उसे पूर्ण रूप से मिला लिया था। तब जब जो पाकिस्तान है, जो पड़ोसी जो देश है, वो बहुत तिलमिला गया था, उसको मिर्ची लग गई थी, तो इसका समर्थन में कौन खड़ा हुआ था? इसके समर्थन में खड़ा हुआ था टर्की। तब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने इस चीज को यूएन में मुद्दा उठाया था, इस चीज का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि कश्मीर को ऐसे नहीं मिलाना चाहिए था। तब भारत सरकार ने यह बात कही थी कि वो बहुत ज्यादा दुखी है कि टर्की जो है वो भारत का जो टर्की जो भारत के इंटरनल इशू में जो है वो कमेंट कर रहा है। और तब के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन रवीश कुमार थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि टर्की को पहले चीज़ों को समझ लेना चाहिए, उन्हें समझ कर बात करनी चाहिए, बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ पे किसी पर भी कमेंट नहीं करना चाहिए। 15 फरवरी 2020 को जो पाकिस्तान में जो एर्दोगन जाते हैं वहाँ पर, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान को कहते हैं कि हम आपको यहाँ से ग्रे लिस्ट से निकालने में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको ग्रे लिस्ट से हम निकालेंगे। अब ग्रे लिस्ट क्या है कि जो पाकिस्तान है उसको ना फंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, उसके कारण फंडिंग इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये जो है पाकिस्तान जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इसको ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर टेररिज्म को ख़त्म नहीं करोगे तो तुम्हें ग्रे लिस्ट से हटा कर तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो और इसको ग्रे लिस्ट में पहुंचाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसको लेके एर्दोगन ने कहा कि हम आपको ग्रे लिस्ट से निकालने में मदद करेंगे। और उसी दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर एर्दोगन ने ये बात भी बोली थी कि जितना पाकिस्तान सीरियस है कश्मीर को लेकर, उतना टर्की भी है कश्मीर को लेकर। और हाल फिलहाल में जब हम 5 अगस्त 2020 को जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर की नींव रख रहे थे और एक साल कंप्लीट हो चुका था कि आर्टिकल को हटाए हुए, 370 आर्टिकल को हटाए हुए, तब 4 अगस्त 2020 को इन्होंने क्या किया था, फिर से एक कमेंट पास किया था। इस तैयब एर्दोगन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था पाकिस्तान को कश्मीर के इशू को लेकर। और साथ ही साथ हाजिया सोफिया जो एक चर्च था टर्की के अंदर, उसको बहुत जो सबसे बड़े मॉस्क के अंदर उसे कन्वर्ट कर दिया गया हाल फिलहाल अभी कुछ एक टाइम पहले, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पूर्ण रूप से विरोध किया गया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अकेला पाकिस्तान ऐसा था जो इसके समर्थन में आया था। और इसके अलावा भारत के अंदर जो एंटी इंडिया जो वर्कर हैं, जो भारत को तोड़ने के लिए, भारत की एकता को तोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको जो एनजीओ जिसकी मतलब कि अपना रूप छुपाने के लिए वो एनजीओ के अंदर काम कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर एजेंसी या अलग-अलग एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ में बताया गया है कि इन सब चीज़ों को फंडिंग कर रहा है टर्की। और फिर इसके बाद एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें ये लिखा गया है कि जो है वो टर्की जाकर वो एर्दोगन से जाके तो मिल लेते हैं, लेकिन आमिर खान जो है वो मुंबई में हो रहे सालोम को वो अटेंड नहीं करते, जहां पर नेतन्याहू और मोदी जी जो थे वो वहां पर प्रेजेंट थे, उनसे मिलने के लिए वो मना कर देते हैं और वो जाके टर्की की जो फर्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन है उनसे जाके वो मिल लेते हैं। अब बात आती है कि कितना सही है कितना गलत।
तो एक आपने जितनी भी ये सब चीजें देखी तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि जो टर्की है ऑल वेदर फ्रेंड रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिसने हर वक्त अपने देश के अंदर अपनी मिट्टी के अंदर उनको लोगों को समर्थन दिया है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो उस जैसे देश का यानी पाकिस्तान जैसे देश का दोस्त होना। आप एक चीज़ को समझो यार, आपकी दुश्मनी आपके पिता की दुश्मनी किसी के साथ है, वो आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, क्या आप अपने उस दुश्मन के साथ जाकर बैठोगे? ऑब्वियसली नहीं बैठोगे, इतनी तो कॉमन सेंस होगी। आमिर खान को सुपरस्टार इस देश ने बनाया, इस देश की जनता ने बनाया, ना कि टर्की की जनता ने बनाया, ना कि पाकिस्तान की जनता ने बनाया। तो उनकी जो कर्तव्य है, उनका जो कर्तव्य है वो इस देश के लिए पहले आता है। तो मेरी हिसाब से ये सब चीज़ें गलत हैं कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, और जो मिलने की जो डेट है वो भी कमाल की है, 15 अगस्त 2020, जब भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तब जाके ये फर्स्ट लेडी आई मीन एर्दोगन से जाके वो मिल लेते हैं। तो उनको अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत हैं। वो एक सेलिब्रिटी हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, और अगर वो कुछ गलत हरकत करते हैं, कोई भी अगर कदम गलत कदम जो भी वो उठाते हैं तो उसके ऊपर मास इफेक्ट पड़ता है बहुत से लोगों के ऊपर, उनकी नज़रों में वो चीज़ें कुछ और ही एंगल से वो देखने लग जाते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। अब मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें वो उन्होंने क्यों की, किस लिए की, बट जो की बहुत ज़्यादा गलत थी। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? और जितनी भी चीज़ें मैंने दिखाई हैं बकायदा ये प्रूफ है, आप जाके गूगल पर ये सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं, और एक बार ज़रा इस चीज़ के ऊपर सोचना कि अपने साथ किसी बड़े को बिठाना, उन सबको पूछना कि ये सब चीज़ें हुई हैं, टर्की जो है वो भारत में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग कर रहा है, बावजूद इसके कि उस देश के प्रेसिडेंट के वाइफ के साथ आमिर खान जब मिलते हैं तो कितनी चीज़ ये गलत है, कितने लोगों पर ये गलत इम्पैक्ट डालने वाली है। देखो, छोटी 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 चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें असर डालती हैं। एक मूवी के लिए आप वहाँ पर जाते हो तो क्या एक मूवी ही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है? क्या देश के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन जाती? ऑब्वियसली बनती है। अब बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो खड़े हो जाएंगे, कहेंगे क्या हो गया, एक व्यक्ति की क्या अभिव्यक्ति, मतलब कि आज़ादी नहीं, वो किसी से मिल नहीं सकता। तो मैंने कहा कि एक सेलिब्रिटी और एक आम व्यक्ति में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक आम व्यक्ति कुछ करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सेलिब्रिटी करते हैं उसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अब इस चीज़ को लेकर जो फैन जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज भी हैं, और इस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा लोगों में अंदर गुस्सा भी, और एक न्यूज़ में जो आया है कि जो सड़क टू के जो सबसे ज्यादा मोस्ट डिसलाइक वीडियो बनाई गई है भारत के अंदर, उसको अब जो है, अब जैसे ही लाल सिंह चड्ढा की जो वीडियो आएगी, ट्रेलर आएगा, उसको मोस्ट डिसलाइक वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। मैंने अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।